हे व्हाट्स गोइंग ऑन फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग शॉर्टकट में कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्लॉग करते हैं या सिनेमैटिक फिल्म्स बनाते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज जल्दी से जल्दी देख सकें। शॉर्टकट में एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन है, इसके अंदर मैं मीडिया फाइल्स इंपोर्ट करूंगा। मैं वीडियो को ट्रिम कर दूंगा ताकि हम लोग जब प्रीव्यू देखें तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसको अब मैं सिलेक्ट करके फिल्टर्स में जाऊंगा, और फिल्टर्स में जाके प्लस पर क्लिक करना है, और उसके बाद कलर ग्रेडिंग सर्च करना है। ये कलर ग्रेडिंग आ गया है, इस पर मैंने क्लिक किया है। फर्स्ट पे शेडो, सेकंड पे गैमा, और थर्ड पे हाईलाइट है। शेडोज का मिड सा पार्ट होता है, कलर का मोस्ट पार्ट गैमा का होता है, और हाइलाइट्स भी बिल्कुल लाइट से टच होता है। अब इस वीडियो के लिए ये बेस्ट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। पहले तो मैं गैमा और हाइलाइट्स को नॉर्मल करता हूँ ताकि उनका कोई इफेक्ट ना नजर आ रहा हो। पिक्चर सामने आ रही है ही ब्लैक को डल सी, मेरे ख्याल से ब्लू वाली साइड पर रखते हैं। गेमो को भी ब्लू वाली साइड पर करेंगे, और जो हाईलाइट्स है उसे बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गई है, तो इन तीनों को अब थोड़ा बहुत लाइट कर देता हूँ। पर अभी आप वीडियो को देखना, उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आपको मैं एक और चीज इस वीडियो में सिखा देता हूँ कि आप लोग फिल्टर्स कैसे कॉपी करते हैं। अब मैं सेकंड वीडियो को लाता हूँ। अब मैंने फर्स्ट वाले जो फिल्टर हैं वो सेकंड वाली वीडियो पे डालने हैं। फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर्स में जाऊंगा, और ये यहां से कॉपी करूंगा। अब मैं सेकंड वाली को सिलेक्ट करूंगा, और इसमें जाके ये फिल्टर्स पेस्ट कर दूंगा। अब बिल्कुल सेम वही जो फिल्टर्स हमने फर्स्ट पे एडजस्ट किए थे वही अब सेकंड पर आ गए हैं। और देखिए वीडियो पर फिल्टर्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और ये काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। शॉर्टकट पर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, जिनको देखने के बाद आप इसे प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। और ट्यूटोरियल वीडियोस बहुत छोटी हैं, इनको आप ऑलमोस्ट 15 मिनट में देख सकते हैं, पर आपको उन वीडियोस में से ऐसे ट्रिक्स पता लग जाएंगे जिनसे आपके बहुत से 15 मिनट बच जाएंगे। इन ट्यूटोरियल वीडियोस को मैंने अरेंज करके प्लेलिस्ट में डाल दिया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल थी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें।